झारखंड में बीजेपी ने आक्रामक चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है। तो बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 नवंबर से चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। झारखंड में वो 1.5 दर्जन से ज्यादा रैलियां करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियों के कार्यक्रम तय करने में बीजेपी जुट गई है। मोदी शाह के नेतृत्व में जबरदस्त चुनाव प्रचार के जरिए बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। तो झारखंड में चुनाव है 21 नवंबर से चुनाव प्रचार का बिगुल अमित शाह फूकेंगे, जहां पर 1.5 दर्जन का चौराहे की ताबड़तोड़ कई रैलियों को संबोधित किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को बनाने में भी फिलहाल बीजेपी जुटी हुई है। तो चुनाव प्रचार करने की तैयारी में बीजेपी झारखंड में 30 नवंबर को, आपको बता दें कि प्रथम चरण का चुनाव है। 5 चरण में इस बार चुनाव झारखंड में हो रहे हैं। 81 विधानसभा सीटें हैं और इसी को लेकर ताबड़तोड़ तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है। और उसी के मद्देनजर चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के जो रैलियां हैं, जो कार्यक्रम वहां पर करने हैं, उनको लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करेंगे। और रांची से ब्यूरो चीफ ब्रजेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अमित शाह 1.5 दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को भी तैयार किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से कोशिश 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने की। हालांकि जो लक्ष्य रखा है वो 65+ का है।